Dear students, assalamu alaikum. We are going to start class 6, lecture 26, which is based on unit 9, linear equation, exercise 9. जी तो स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है जी स्टेटमेंट है हमारे पास क्या हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड एंड द रिजल्ट इज इंक्रीज बाय 5 वी गेट 44 फाइंड द नंबर कह रहा है क्या स्टेटमेंट दे रहा है देखें स्टेटमेंट क्या उसके स्टेटमेंट के मुताबिक हमने इक्वेशन बनानी है हमारे पास क्या स्टेटमेंट है इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड एंड द रिजल्ट इज इंक्रीज बाय 5 हमें नहीं पता कौन सा नंबर है कहता है कि उस नंबर को अगर ट्रिपल कर दिया जाए और उसमें 5 को इंक्रीज कर दिया जाए तो हमारे पास 44 आता है फाइंड द नंबर हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है अब हमारे पास सोल्यूशन क्या है जी पहले तो सबसे पहले मैं कंसीडर कर लेता हूं नंबर क्या है हमारे पास लेट द नंबर इज लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स हमारे पास क्या हो गया जी मैंने लेट कर लिया नंबर क्या है हमारे पास नहीं पता अननोन क्वांटिटी है हमने क्या किया लेट द नंबर इज एक्स अब वो कहता है कि जी नंबर इज ट्रिपल्ड इफ द नंबर इज ट्रिपल्ड अब नंबर ट्रिपल्ड अगर हो जाए तो मैं क्या करूंगा जी ट्रिपल द नंबर कर दूं अगर इसी नंबर को अगर मैं ट्रिपल करूं तो ट्रिपल द नंबर अगर मैं लिखूं थ्री से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास 3x आ जाएगा अब वो कह रहा है कि जी एक नंबर है उसको हमने ट्रिपल कर दिया उसमें क्या करना है इंक्रीज बाय 5 कर लेना है तो हमारे पास 44 गेट हो जाएगा इसके मुताबिक क्या करेंगे हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर अब मैं इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करूंगा इक्वेशन की अब मैं इसको इक्वेशन बनाने की उस फॉर्म में आ जाता हूं क्या हो जाता है हमारे पास इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड एक नंबर है कोई मैंने कहा उसको नंबर को मैंने कंसिडर कर लिया एक्स उसको मैंने ट्रिपल्ड कर दिया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3x आ गया उसमें इंक्रीज बाय 5 यानी उसमें प्लस कर दिया जाए इस नंबर में जो ट्रिपल्ड किया है इसमें 5 को प्लस कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आंसर आता है इक्वल टू 44 अब मैं इसको लिखूंगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन जी तो सर हमने क्या किया इफ अ नंबर मैंने कहा नंबर इज एक्स उसने कहा ट्रिपल द नंबर मैंने 3x कर दिया अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैं इसको सॉल्व करता हूं अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन अब इसकी कंडीशन के मुताबिक मैं इसकी इक्वेशन बनाने लगा हूं देखें क्या इक्वेशन बनेगी हमारे पास इफ अ नंबर इज ट्रिपल नंबर को ट्रिपल कर लिया 3x आ गया इंक्रीज बाय 5 अब मैं इसको लिख रहा हूं 3x इंक्रीज बाय इंक्रीज का मतलब होता है एड बाय 5 एड कर दें तो वो कितने के बराबर इक्वल हो जाता है इक्वल टू 44 ये आपके पास इसकी कंडीशन बन गई 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 44 अब आपने क्या करना है इसमें हमने क्या करना है फाइंड द नंबर जो नंबर है लेट किया हमने नंबर इज x है हमने यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मेथड है जी प्लस 5 है ये देखिए कॉन्स्टेंट है इसको मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 44 माइनस 5 आ जाएगा तो 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 39 3x की वैल्यू क्या आ गई मुझे x की वैल्यू चाहिए मुझे 3x की वैल्यू नहीं चाहिए 3x इज इक्वल टू 39 हो गया आगे इसको सॉल्व करेंगे 3x इज इक्वल टू 39 3 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ उसके बाद दूसरी तरफ जाएगा जब राइट साइड पे तो डिवाइड हो जाएगा 3 तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 13 ये हमारे पास वो नंबर है जो हमने नंबर ट्रिपल करके इंक्रीज बाय 5 किया तो हमारे पास 44 आता है हमने नंबर फाइंड आउट करना था मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को क्या था इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड एंड द रिजल्ट इज इंक्रीज बाय 5 वी गेट 44 हमारे पास एक नंबर है मुझे नहीं पता कौन सा नंबर है अननोन क्वांटिटी एक्स है मैंने कहा लेट द नंबर इज एक्स उस कहता है उस नंबर को जो मैं ट्रिपल कर दूं अगर यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 3x कर दूं और उसमें 5 ऐड कर दूं तो हमारे पास 44 आंसर आता है तो मैंने उसको अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसको सॉल्व करके किया क्या हुआ हमारे पास 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 44 अब इक्वेशन के मुताबिक इसको सॉल्व कर लेते हैं कॉन्स्टेंट पहले प्लस 5 ये देखिए लेफ्ट साइड पे हो रहा है इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे 44 माइनस 5 हो जाएगा ट्रांसपोजिशन का प्रोसेस है हमने 44 माइनस 5 किया तो क्या आ जाएगा 39 ये देखिए 3x x के साथ 3 को मल्टीप्लाई हो रहा है जब राइट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड हो जाएगा यानी x को हमने फाइंड आउट करना है नंबर यानी x जो नंबर लेट किया हुआ है हमने कि कौन सा नंबर है x है वो नंबर हमने वो फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे 3 को यहां डिवाइड कर देंगे 39 होता है x की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास जो अननोन नंबर है या फाइंड द नंबर जो हमारे पास है वो नंबर गिवन हमारे पास 13 है वो नंबर जी दोस्तों हमारे पास लेक्चर 26 जो भी हमने दिया है आपको उसमें क्या था हमारे पास होम टास्क या होमवर्क क्या है हमारे पास जो एक्सरसाइज का हमने अभी वर्ड प्रॉब्लम की है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन 5 है जो आपने क्या करना है नीट क्लीन एंड क्लियर अपनी कॉपीज के ऊपर सॉल्व करना है।